हेलो एवरीवन, आई एम गी साहू। वेलकम टू स्टूडेंट टीवी न्यूज़ चैनल। अभी 16 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर खत्म हुआ। आइए देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, किस टॉपिक से आए हुए हैं। तो आइए कुछ स्टूडेंटों से बात करते हैं। और किस ग्रुप का आपने लिया? एक्स ग्रुप में। फिजिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं? फिजिक्स में थोड़ा फिजिक्स का पेपर हार्ड आया, हल्का सा न्यूमेरिकल थोड़े हार्ड आया इस पेपर में। कोई क्वेश्चन याद है मैथ या फिजिक्स से? मैथ का पेपर काफ़ी इजी आया था, फार्मूला ही बेस्ड था। डायरेक्टली 18 क्वेश्चन सिर्फ फार्मूला बेस्ड आए थे, फिजिक्स के 2-3 क्वेश्चन। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे? लगभग सारे रिलेशन फंक्शन से कुछ नहीं पूछा गया था, फंक्शन अलजेब्रा से कम पूछे गए थे। सारे इंटीग्रेशन से 2 आए थे, डिफरेंशिएशन से 2 आए थे, और डिग्री निकालना आया था डिफरेंशियल इक्वेशन से। ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन थे और प्रोबेबिलिटी से 1 था। बाकी फिजिक्स भी 15 क्वेश्चन करने लगे, उसके ऊपर थोड़े 1-2 लेवल ऊपर हुआ था। बाकी दोनों दिया नहीं, ओनली एक्स था इस शिफ्ट में। फिजिक्स का बढ़िया है, 15-16 क्वेश्चन ठीक आए थे। उससे ऊपर फिजिक्स के थर्मोडाइनमिक्स से आया था, प्लस क्या कहते हैं वो, उससे लाइट से आ रहे हैं, वो फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं, न्यूमेरिकल नहीं आ रहे। मैथ का लेवल क्या है? मैथ का बहुत ईजी था, कम से कम 22-23 क्वेश्चन थे डायरेक्टली, बिना पेन उठाए हो गए वो तो। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह कुछ याद जी? इन्होंने हाँ माइनर का एंटोनिम्स पूछा था, और क्या बोलते हैं इक्विटेबल का सिनोनिम पूछा था, एंड और क्या कहते हैं पास्ट इंटरसेज लेंदी था, या पैसे थोड़ा समझने लायक था डायरेक्टली करने लायक। ईडियम स्ट्रेच कौन सा है? ईडियम शायद सेवर सिटी करके, पुअर कुछ याद नहीं है मेरे को, थोड़ा वैसा आया था। कॉमन एरर में किस टॉपिक से आया था? कॉमन एरर में आया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आया था कॉमन एरर, और एक आया था। कितने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जा रहे हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक था, एक्टिव पैसिव एक था, और एरर भी उसी के बेस्ट पे आया था बस। बाकी इंग्लिश नॉर्मल ही। और इंग्लिश में क्या आया था? एक था नरेशन से आपका, और दूसरा था प्रोनाउन से। एक नरेशन से, दूसरा प्रोनाउन से। प्रोनाउन और नरेशन इजी लेवल से आ रहे हैं, बहुत लेंथी तो नहीं आ रहे हैं। अगर तो इंग्लिश का लेवल थोड़ा मॉडरेट सा पकाया, दोनों इजी थे। ओके, और कोई क्वेश्चन याद हो तो आप बताइए। मैथ वगैरह के क्या है? मैथ में 2 सर्कल से क्वेश्चन थे, हाँ। दो समाकलन से थे, एक अवकलन से था। इसके बाद एक स्ट्रेट लाइन से था, एक बहुलक पूछा गया था। और इसके बाद आपका फिजिक्स में क्या था? फिजिक्स का क्वेश्चन, फिजिक्स में लाइट से क्वेश्चन था, लाइट से क्वेश्चन पूछा गया था आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूछा गया था। क्वेश्चन बताना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बताइए थोड़ा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब संभव है? जब प्रकाश सघन माध्यम से बरेल माध्यम से जाता है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। और कोई क्वेश्चन किसका बताएं? मैथ फिजिक्स, मैथ फिजिक्स जो भी याद है आप बता दीजिए। इसमें उसमें पूछा गया था कि एक्स एच पे अंतर काटा गया, अंतर्गत पूछा गया था मैथ में। फिजिक्स के टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से आ रहे हैं? फिजिक्स में क्वेश्चन आ रहे हैं मैकेनिक्स से सबसे ज़्यादा, फर्स्ट फिजिक्स से। और मैथ में किस किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं? मैथ में आपका कैलकुलस से ज़्यादा आ रहा है, लिमिट था। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, फिजिक्स के 25, इंग्लिश के 20, टोटल 70 आउट ऑफ 68 मिनट। और कोई क्वेश्चन याद हो इंग्लिश का? इंग्लिश में टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल? इंग्लिश में टोटल क्वेश्चन 20 थे, जिसमें इक्विटेबल का सिनोनिम पूछा गया था, ऑप्टिमल का पैसेज में पूछा गया था, और इसके बाद आपका माइनर का अपोजिट पूछा गया था। और कोई क्वेश्चन बताइए याद आ रहा हो तो? क्वेश्चन तो सभी याद है, किस में बताएं? बता दीजिए ना, फिजिक्स में बता दें। मैथ में पूछा गया था लिमिट स्टेट से 0 tan x / x, और इसके बाद पूछा गया था उसमें समाकलन, अरे सॉरी डिफरेंशिएशन पूछा गया था cosec inverse x का। और इसके बाद आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं? हमने अटेम्प्ट तो कर दी मैडम 63। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। पेपर कैसा था? पेपर बहुत बढ़िया आया था पेपर मैडम। हम लोगों ने सोचा था RD शर्मा से आएगा, बट पेपर हमारे पास NCERT से आया हुआ था। NCERT के सारे NCERT से, ये मान लीजिए 60-70% अप्रॉक्स क्वेश्चन। किस ग्रुप का आपने दिया है? किस ग्रुप का दिया है? X ग्रुप, X का। फिजिक्स का क्या लेवल था? फिजिक्स का मीडियम लेवल था, कोई हाई नहीं था। कोई क्वेश्चन याद है फिजिक्स का किस टॉपिक से आया था? जी जी, यूनिट ऑफ लेटेंट हीट, और थर्मोडायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चन थे, और रे ऑप्टिक्स के। आपने किस ग्रुप का दिया है? X ग्रुप का दिया।
अरे आपके क्वेश्चन थे और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ क्वेश्चन थे और इंग्लिश का भी मीडियम था, पेपर बढ़िया आया था। मैथ में क्या था? मैथ में साइन एक्स का डबल डिफरेंशिएशन पूछा गया था और कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा था और सिंपल सिंपल से इंटीग्रेशन आए हुए थे। फिजिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे? फिजिक्स से उसका गुप्त ऊष्मा का मात्रा का आया था एक, फिजिक्स मॉडरेट थी बाकी सब आसान था। आपको कौन क्वेश्चन फिजिक्स का आया था? जी बिल्कुल, ऑप्टिकल फाइबर से क्वेश्चन था, और गुजरती है अगर उससे तरंग गुजरे तो वो क्या प्रदर्शित करेगी। किस किस टॉपिक से आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स से? प्रोबेबली मैं ये बोल सकता हूँ कि से चार क्वेश्चन आए थे अकेली, क्वेश्चन थे और चुंबक से दो क्वेश्चन थे, मैग्नेट से, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे मैकेनिक्स से, मैकेनिक्स से काफी ज्यादा क्वेश्चन। इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल? इंग्लिश के क्वेश्चन टोटल 20 आते हैं लेकिन बहुत ज्यादा आसान आ रहे थे सभी। इस समय एक सिनोनिम था, सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो भी आ रहे होंगे कुछ बताइए, किस लेवल के आ रहे हैं, हार्ड है या फिर बहुत ज्यादा आसान आ रहा है? इक्विटेबल का तो सिनोनिम आया था। फ्रेंड्स आप लोगों को 10 मिनट का वीडियो लगता है बहुत ही आसानी से मिल जाता है लेकिन इसको बनाने में लगभग 1-1.5 घंटे लग जाते हैं, प्लस में एक एक लोगों से इतना क्वेश्चन निकलवाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम सारे रिव्यू प्राप्त हो सके। और एंटोनियम्स फ्रेश कौन सा आया था? एडियम फ्रेश कोई नहीं आया था, तो एक एडवर्ब था और एक एंटोनियम था, एक सिनोनियम था। मैथ में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? मैथ में इवन बोल सकते हैं कैलकुलस से प्रोबेबल क्वेश्चन थे, बढ़िया क्वेश्चन थे। और कोई क्वेश्चन इंग्लिश का या मैथ का कुछ याद है? अब ये तो श्योरली नहीं बोल सकते, हाँ क्वेश्चन काफी याद है। अब जैसे कैलकुलस से क्वेश्चन थे जैसे कि ऑर्डर निकालना था और 2×2×4 का ऑर्डर था और इसमें डिग्री निकालनी थी एक क्वेश्चन में, और उसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेट्स एक क्वेश्चन था वो थोड़ा टफ था, बाकी सब बढ़िया पेपर था, मैथ का बढ़िया पेपर था, फिजिक्स में थोड़ा मॉडरेट कर दिया था, अदरवाइज सबको ठीक था। और इंग्लिश में क्या था, पैसेज का लेवल क्या था? पैसेज का तो मैं ये बोल सकता हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ कि थोड़ा पैसेज पढ़ा हुआ नहीं था, अदरवाइज ठीक था पैसेज, टफ नहीं था, बढ़िया था। स्टोरी बेस्ड आ रहा है या फिर? हाँ स्टोरी बेस्ड था, बिल्कुल स्टोरी बेस्ड था, जैसे हम लोग मतलब डेली रूटीन में एक्सरसाइज के लिए जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, उस पर रिलेटेड था पूरा पैसेज। ओके थैंक यू सर। कैसा था लेवल? ठीक था। आपने कितना अटेम्प्ट किया? 60। कोई क्वेश्चन याद है? किस ग्रुप का आपने दिया था? एक्स ग्रुप। फिजिक्स में कौन कौन सा क्वेश्चन आया था? फिजिक्स में था कि अगर जल में नमक डालें तो पृष्ठ तनाव क्या होगा। और कोई क्वेश्चन? और बहुत ऐसे थे जो कि आया था। किस किस टॉपिक से ज्यादा फिजिक्स में क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं? फिजिक्स में ज्यादा ग्रेविटेशन से, फिर उसके बाद उष्मागतिकी से। और कोई ये इंग्लिश में किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? कॉमन ईयर क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? वही कॉमन ईयर एक ही दो होता है, फिर उसके बाद एंटोनिम सिनोनिम होता है। कोई एंटोनिम सिनोनिम याद हो? एंटोनिम सिनोनिम तो हम खुद छोड़ दिए थे, ना आ रहा था, छोड़ दिए। और पैसेज का लेवल क्या था? पैसेज टफ था थोड़ा सा। और मैथ में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? मैथ में हर टॉपिक को छुआ था पर बहुत आसान था लेवल, जो 25 में 25 हम किए हैं, कोई काट नहीं सकता। 25 में 25 आपने किया। कोई टॉपिक बताइए जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे, कि टॉपिक तो बहुत सारे रहते हैं। क्वेश्चन बता सकते हैं? हाँ बताइए। जैसे 10 इनवर्स x + cot इनवर्स x का पूछा था, फिर उसके बाद समाकलन cos स्क्वायर का पूछा था, ऐसे टेम्पो पकड़ने जाना है। आपने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने फिजिक्स में तो 21 किए और मैथ्स में 25 के 23 कर दिए थे। फर्स्ट में एक्स ग्रुप का आपने दिया है? जी। फिजिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से ज्यादा पूछे? फिजिक्स में लाइट से क्वेश्चन ज्यादा आए थे फिजिक्स में, और मैथ्स में 12th का ही कोर्स ज्यादा आया था। तो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, हार्ड लेवल के या इजी? नहीं इजी, मीडियम लेवल था, ना हाई कर सकते हैं ना इजी कर सकते हैं, और अपनी तैयारी के ऊपर होता है। इस टॉपिक से कुछ हिंट दीजिए कैसे पेपर आ रहा है, जैसे फिजिक्स मैथ या इंग्लिश में? फिजिक्स में अपना बेसिक्स तैयार कर लीजिए, बेसिक्स से हो जाएगा काम। और थोड़ा इस टॉपिक से ज्यादा आ रहा है क्वेश्चन? लाइट से ज्यादा आ रहे हैं। लाइट से कितने क्वेश्चन? लाइट से थे, लाइट से लगभग वही 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे थे। और कोई क्वेश्चन इंग्लिश में? सिनोनिम्स एंटोनिम्स एडियम्स रेंज कितने आ रहे हैं? वो आ रहे थे, 1-2 आ रहे थे, और नॉर्मल लेवल ही आ रहे, कुछ हायर लेवल नहीं था उनका। कैसा था लेवल आज का? फिजिक्स थी, कैलकुलेटिव पेपर तो आसान था। फिजिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए याद है? फिजिक्स में क्वेश्चन तो याद है, एक
ये में पूछा था, दो क्वेश्चन में ये में पूछा था, मतलब वैल्यू दे रखी थी, क्वेश्चन हल करने थे उसमें। और कंप्यूटर वगैरह से कोई क्वेश्चन? और जो वो है ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उस पर कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे गए थे आज। और मैथ में किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहा है, इंग्लिश का क्या लेवल है? मैथ तो बिल्कुल ही आया था, एक वो पूछा था और ऑर्डर और डिग्री पूछा था एक में, और मैट्रिक्स पूछा था, मैट्रिक्स में भी ऑर्डर ही पूछा था। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं? हमने तो 23। जो आने वाले स्टूडेंट हैं नेक्स्ट ईयर जिसका एग्जाम है, आप उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं? उनको ये मैसेज देना चाहते हैं, इस चैप्टर में मैडम जी इंग्लिश का पेपर सही था, थोड़ा बगैर दोनों लेवल ईजी थे, और उसके बाद उनको क्या तैयार करके आए कि उनका पेपर आसानी से, मतलब उनको तैयार करना ये है कि फिजिक्स फर्स्ट पढ़ लें, वो दोनों फिजिक्स फर्स्ट पे ज़्यादा फोकस करें सेकंड पे। हालांकि आज फिजिक्स कैलकुलेटिव थी जिसमें टर्म लगा, 12-13 क्वेश्चन किए होंगे, सबने 15 किए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। हमारे इसी चैनल पे आप सभी को NTPC नेक्स्ट SSC के एग्जाम जो भी होंगे एग्जाम, उन सभी का रिव्यू आप लोगों को जल्द से जल्द दिया जाएगा। हमारे इसी चैनल पे NTPC और SSC के जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनका रिव्यू आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू एवरीवन।